जहां आरक्षण के नाम पे नौकरियों को छीना जा रहा है। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट, कुछ सरकारें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं भी ऐसी हो गई हैं कि रोज़गार को छीन रही है और आदमी को पेट भरने के लिए शायद खाना भी नहीं मिल रहा है। उसी दौड़ में एक स्कॉटिक नाम निकल के आया है जो बिजनेस करवाने के लिए और आपको रोज़गार देने के लिए और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोन भी देने के लिए तैयार है। उसी स्कॉटिक के मेरे साथ एक मेंबर खड़े हुए हैं जिनका नाम है जितेंद्र कैन जी। जितेंद्र कैन जी, आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये स्कॉटिक एक्चुअल में है क्या? देखिए, स्कॉटिक जो है, अगर हम बात करें तो स्कॉटिक है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। स्कॉटिक का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट, हम बोले ब्रेन चाइल्ड बोले, तो 6 दिसंबर को मैं और हमारे बहुत ही सफल उद्यमी राजकुमार आनंद जी और हमारे कुछ और साथी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस वाले दिन बैठकर ये निर्णय लिया कि हमें अपने समाज के लोगों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से ठेकेदारी प्रथा हमारे देश के अंदर चालू है, आरक्षण के ऊपर लगातार कुठाराघात करा जा रहा है, तो हमारे आने वाले युवाओं के लिए नौकरियां बिल्कुल नहीं है। हमें अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको बिज़नेस के क्षेत्र में आगे लाना है, क्योंकि बिज़नेस का ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम लोग, अगर हम बात करें, आर्थिक आंदोलन हमें आगे बढ़ाना है जिससे हम सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन को भी धार दे पाएंगे। जितेंद्र जी, देखा गया है कि जो उद्योगपति आते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं, मन से भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन आपने इसको इम्प्लीफाई किया है कि हम बिजनेस देंगे। देखिए, इसको इम्प्लीफाई हमने नहीं किया, हम एक माध्यम मात्र हैं। अब अगर हम आपको बताएं, सरकारें चाहे जो भी आए, चाहे अभी हालात की जो सरकार है हम उसकी बात करें जो हमारे ऊपर लगातार अत्याचार कर रही है, या इससे पूर्व जो सरकारें रहीं, सरकारों ने हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिसे बोलते हैं दो बूंद जिंदगी की, हमें वो देने की कोशिश ज़रूर करी है और हम लोगों तक वो दो बूंद जिंदगी तक जी की भी हम तक नहीं पहुंच पाई हैं या हम लोगों को उनका फ़ायदा उठाना नहीं आ पाया है। तो सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं, MSME अगर हम बात करें उसकी बहुत सारी योजनाएँ हैं। हम बात करें अगर MSME के जो उपक्रम हैं और NSIC, अभी जो सरकार है उसने नेशनल SC ST हब बनाया, उसके तहत हमें कोई योजनाएं उन्होंने बनाई और SC वर्ग के लोगों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन की योजना उन्होंने बनाई, जो कि हम तक या तो पहुंची नहीं दूर दराज गांवों तक, या हम लोगों को लेना नहीं आया। तो स्कॉटिक एक ऐसा मंच है, एक वो माध्यम है जो सरकारी योजनाएँ लेकर आप तक पहुँचेगा और आपको एक ब्रिज का काम करेगा और आपके हक और हकूकों के लिए, अधिकारों के लिए वो बाकायदा लड़ाई भी करेगा और जो योजनाएं और बननी चाहिए। केंद्र साहब, जिस तरीके से आज इतने बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे हम मुकेश अंबानी की बात करें, अनिल अंबानी की बात करें और बिजनेसमैनों की बात करें, तो ऐसे बिजनेस व्यापारियों के बीच में क्या हमारे बिजनेसमैनों का टिकना कहाँ तक संभव है? देखिए, संभव है आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, आप अगर क्वालिटी का काम करेंगे तो बिल्कुल टिकना है। ऐसे बहुत सारे व्यवसायी हैं, जैसे मैंने बोला कि राजकुमार आनंद जी, जिनके साथ जो लाइक माइंडेड जो हैं, जिनका एक तरीके से हम बोलें कि ब्रेन चाइल्ड रहा ये, हमने डिस्कस किया आपस में और ये चीज़ निकल कर आई। भाई संजय मंथन जी यहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं, इस तरह के लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग इसको एक दूसरे लेवल पर हम लोग डेफिनेटली ले जाएंगे। जहाँ तक आपका जो सवाल है, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी एक व्यवसायी हूँ और मैं आज एक्सपोर्ट भी करता हूँ। मेरा नैपकिन और पेपर पैकेजिंग का प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। मेरा फोकस जो रहता है क्वालिटी पे रहता है, सबसे पहले क्वालिटी। हम अगर क्वालिटी पे काम देंगे, हमारा क्वालिटी पे पूरा फोकस रहेगा, तो ऐसी कोई भी, क्या कहते हैं, हमारा वो नहीं है कि हमारा माल लेने से कोई भी ग्राहक मना करे या कोई भी कंपनी मना करे। हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत के साथ काम करना है। देखिए, ये जो मानसिकता है इसी से हमें निकालने की ज़रूरत है। अगर हम जाएँ, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हैं टेलीविज़न की, हम अगर बात करें दूरदराज गांवों की बातें, तो दूरदराज गांवों में भी अगर हम बात करें तो वहाँ अभी भी, क्या कहते हैं, टीवी बहुत सारी जगह पर नहीं है, तो वो आपके हीरो हीरोइनों को नहीं देखते हैं। जो वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग होती है, मैं उसको समझता हूँ कि अगर वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग है, वो कैसे आएगी? वो तब आएगी जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होगी और उसको उपयोग करने वाला उससे खुश होगा, तो वो डेफिनेटली, क्या कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से जाएगा और फैलेगा और दूर दूर तक फैलेगा। तो कैन साहब, ये जो चलते चलते जो हमारे छोटे मोटे जो उद्योग चला रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहते हैं?
देखिए, उनके लिए मेरी अपील ये है कि सबसे पहले तो जो स्कॉटिक का भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कम्युनिटी बिजनेस, यानी कि क्लस्टर बेस्ड काम करना। कम्युनिटी बिजनेस मतलब सामूहिक रूप से काम करना। तो जो छोटे छोटे लोग जो काम कर रहे हैं, मेरा उन सबसे ये है कि अगर आप चमड़े का व्यवसाय कर रहे हैं तो आप 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के माध्यम से क्या कहते हैं आप क्लस्टर, एक स्कीम है गवर्नमेंट की जो कि लोन भी प्रोवाइड करती है, 90% तक लोन प्रोवाइड करती है वो स्कीम। तो आप उसमें आप अप्लाई करें और उसके माध्यम से क्या कहते हैं आप अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। तो एकजुटता तो हमें दिखानी है। हम जब बात करते हैं सामाजिक की कि हमें सामाजिक एकजुटता दिखानी है, हमें एकजुटता आर्थिक आंदोलन भी दिखानी है। हमें एकजुट कर होके काम करना है, सामूहिक रूप से काम करना है। आपको अगर मैं एक उदाहरण दूँ, एक कंपनी है, सपोज़ करिए कुरकुरे बनाने वाली कंपनी की बात कर लेते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो हमारा एक व्यवसायी बना सकता है, उसको पैक करने के लिए जो हमें लिफाफा चाहिए वो हमारा एक व्यवसायी बना सकता है, उसको हमें काम करने के लिए जो महिलाएं और लोग चाहिए वो हमारे लोग हो सकते हैं। तो सामूहिक मतलब कि हम अपना अपना काम बांट लें और उस काम को ईमानदारी से करें, मेहनत के साथ करें और क्वालिटी के साथ। आप अभी जुड़ने की बात कर रहे थे, तो आप इसे जुड़े कैसे, स्कॉटिक के साथ कैसे जुड़ा जाएगा? देखिए, स्कॉटिक के साथ जुड़ने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप स्कॉटिक के सदस्य बने। मेरा खुद का नंबर जो है 8010466566 है। स्कॉटिक का फेसबुक पेज है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अपने यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर के भी लोग आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कॉटिक पैर पसारे। और यहाँ पर कानपुर से भी हमारे एक चैप्टर कोऑर्डिनेटर मिस अंकिता जी आई हुई हैं जो कि सैनिटरी बिजनेस में है एमटेक करने के बाद। तो इस तरह के लोग हमारे से जुड़ेंगे और एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे तो ये कारवां बढ़ता जाएगा। अपना भी उद्योग चलाते हैं तो आप यहाँ पर मेंबर हैं या स्कॉटिक के साथ कुछ अलग तरीके से काम करते हैं आप? नहीं, मैं अभी रिसेंटली मैं स्कॉटिक के साथ जुड़ा हूँ जी। स्कॉटिक बेसिकली एक ऐसी अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है हमारे लोगों की, SC ST समाज के लोगों की, जिसमें जो हमारे उद्यमी हैं उन लोगों ने मिलकर के इसको डिज़ाइन किया है जी। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है हमारे उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लोगों की सोच क्या है, अभी तक हमारा सोशल आंदोलन चल रहा है या हमारे दूसरे शिक्षा के स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कोई बिजनेस की तरफ नहीं सोच रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो लोग हैं अपनी गर्दन से नीचे सोचते हैं, मीन्स कि वो दूसरे के लिए काम करना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो अपनी गर्दन के ऊपर से सोचना शुरू करें। तो अब वक्त है हमें अपने आर्थिक रूप से संपन्न होने का, हमारे समाज को भी हक है अच्छे घरों में रहने का, बड़े घरों में रहने का, अच्छी मर्सिडीज में चलने का, कार में चलने का, लेकिन ये सब संभव कैसे होगा? ये सब संभव होगा जब हम अपने शरीर के निचले हिस्से से सोचना बंद करने के बाद शरीर के अपने ऊपरी हिस्से यानी कि अपने माइंड से सोचना शुरू करें। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर एक सही डायरेक्शन में सोचता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में तो वो जरूर सक्सेस हासिल करता है। थोड़ा देर से ही सही, हमारे समाज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेस करें लेकिन पैसा कहाँ से लाएं। मंजन जी, एक आप कभी होने के बावजूद आप बिजनेस में आ गए, पहले और भी आपके काम थे, तो कैसा आपको महसूस लग रहा है? सर देखिए, कभी तो मैं हृदय से तो कभी ही हूँ, लेकिन मैं माइंड से बिजनेस की तरफ सोचता हूँ। और मेरा सोचना ये है कि दिल और दिमाग अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक जैसा हो जाए, एक साथ काम करने लगे तो काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है। तो मैं इसी वजह से स्कॉटिक्स के साथ जुड़ा, मिस्टर जितेंद्र केन जी के साथ। मंथन जी, आपका किस चीज़ का बिजनेस है, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? बेसिकली सर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरा पावर जनरेशन का काम है, जेनसेट सप्लाई करते हैं हम लोग, रेंट पे लगाते हैं। इसके अलावा हमारा मरम्मत का काम है, उसका हमारी टीम है करीब 15 लोगों की जो इस फील्ड में काम कर रही है और हमारा ऑल ओवर इंडिया में हमारा काम चलता है। खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए।